रिसेंटली जो कर्नाटका में हिजाब पे जो हुआ था, वहाँ पे मुसलमान बच्चियों को बताया गया कि हिजाब आपको नहीं पहनना है और हिजाब के बगैर आप कॉलेज में एंटर नहीं हो सकते। ये किस कानून में लिखा है? और इन्होंने ही एक लॉ में है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या आर्टिकल 25 में हिजाब के मुताबिक क्या कहा गया है? उसमें कहा गया पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और दूसरे अमूर के लिहाज से हर शख्स को आज़ादी ज़मीर और उसको कोई रोक नहीं सकता। उसमें ये खुद ही अपना ये मतलब इसमें लॉ में है, तो फिर हम ये हमसे क्यों रोक रहे, हमसे क्यों छीन रहे हैं, हमारा हक क्यों छीन रहे हैं? हिजाब जो है वो हमारा, हिजाब हमारा वक्कार है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब इज आवर फ्रीडम, हिजाब इज अ साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हिजाब हमारी आबरू है। किस की तरफ से हो? हमने बोला हम खुद अपने मतलब लोकल्स है, हम खुद साइलेंट प्रोटेस्ट पे आए हैं यहाँ पे, हमें किसी ने नहीं बुलाया है। क्यों हमें कोई क्यों बुलाएगा? हमारा हक है, हम खुद से आए हैं, खुद हक मांग रहे हैं हम हमारा। उन्होंने हमसे रोका, बोला कि आप यहाँ पे रैली जो है आगे नहीं जा सकते, ये नहीं ले जा सकते हो, क्यों आपको रैली आगे ले जानी है? पता नहीं आप क्या बताओगे, आपकी वजह से यहाँ पे मतलब हलबली मच जाएगी यहाँ पे। तो हमने कहा हम अपना हक है हमारा, तो हम ये हमारा हक है, आप क्यों हमसे ये हक छीन रहे हो? हम तो कोई नहराबाजी नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट पे आए हैं, हमारा ये हक है तो हम जा रहे हैं, हम साइलेंट